हेलो स्टूडेंट्स आई एम सविता गुप्ता लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर वेलकम इन लर्न विद सविता आज हम क्लास टेंथ की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का फिफ्थ चैप्टर द हंड्रेड ड्रेसेस पार्ट वन का हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं सो अबाउट ऑथर एलिनोर एस्टर एंड अमेरिकन ऑथर मोस्ट ऑफ हर स्टोरीज आर रिलेटेड टू द चिल्ड्रेन तो इस स्टोरी के ऑथर एलिनोर एस्टर हैं जो अमेरिकन मूल की राइटर हैं और इन्होंने जितनी भी स्टोरीज़ लिखी हैं उनमें से अधिकतर बच्चों से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं द हंड्रेड ड्रेसेस पोलैंड मूल की एक शांत सी पोलिस लड़की की ख़ूबसूरत सी स्टोरी है जिसका नाम है वेंडा पैटर्न्स की जिसका परिवार अमेरिका में आकर बस गया है वहाँ वो एक स्कूल में अन्य अमेरिकी बच्चों के साथ पढ़ती है लेकिन वहाँ के उस स्कूल के बच्चों को लगता है कि वो हमसे अलग है वो थोड़ी सी हमारे जैसी नहीं है तो फिर आगे क्या होता है इसी पर ये स्टोरी बेस है चले हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं मंडे वेंडा पैटर्न्स की इज नॉट इन हर सीट आज मंडे है सोमवार है स्कूल डे है पर वेंडा आज स्कूल में अपनी सीट पर नहीं है नो वन इवन पैगी एंड मैडलिन हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड दिस किसी ने भी इस बात को नोटिस नहीं किया वेंडा के एब्सेंस का यहाँ तक कि पेगी और मैडलिन ने भी नहीं नोटिस किया कि वेंडा आज स्कूल नहीं आई है वो एब्सेंट हैं ये दोनों वो लड़कियां हैं जिन्होंने सारा फन गेम स्टार्ट किया था क्या था ये फ़न गेम आगे स्टोरी में देखेंगे तो यहाँ मैडलिन को स्टोरी में आगे मैडी के रूप में रिलेट किया जाएगा सो याद रखिएगा यूजली वेंडा सिट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम नंबर थर्टीन तो इस लाइन में बताया गया है कि वेंडा जो है वो स्कूल में कहाँ बैठती है रूम नंबर थर्टीन जो उनका क्लासरूम है उसके लास्ट जो रो है इसकी जो लास्ट रो है उसके लास्ट बेंच की इस बगल वाली सीट पर वेंडा बैठती है देन वेयर द रफ़ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट तो ये वो जगह है जहाँ ऐसे लड़के बैठते थे जहाँ बहुत ही रफ़ टाइप के बॉयज़ बैठते थे ऐसे बैक बेंचर्स होते थे जो पढ़ते लिखते तो नहीं थे उनके अच्छे मार्क्स भी नहीं आते थे वेर देर वॉज़ मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फुट एंड रोड्स ऑफ लॉफ्टर वॉज कॉमन एंड मोस्ट मड एंड डस्ट ऑन द फ्लोर तो ये वो जगह थी जहाँ से स्कफलिंग ऑफ फिट यानी कि पैरों को फर्श पर घिसने की सबसे ज़्यादा आवाज़ आती थी और इसी कारण से फर्श पर वहाँ सबसे ज़्यादा धूल और मिट्टी फैली रहती थी क्लास में अगर कुछ फ़नी हो जाता था कोई मजाक हो जाता था या कोई चुटकुला कोई बोल देता था तो ये वो जगह थी जहाँ सबसे ऊंची आवाज़ में हंसी की आवाज़ आती थी तो ऐसे माहौल वाली जगह में वेंडा बैठती थी शी वॉज नॉट ए रफ एंड नॉइसी गर्ल बट वॉज ए क्वाइट गर्ल लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं था कि वो भी पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर रहने वाली बैक बेंजर्स बेंचर्स थी या खूब शोर गुल मचाने वाली लड़की थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था इसके विपरीत वो बहुत ही शांत रहने वाली बच्ची थी बात करते हुए शायद ही किसी ने उसे देखा हो वैन एनी थिंग हैपेंस शी गेव ए क्रुक्ट शॉर्ट ऑफ स्माइल कभी भी वो जोर जोर से नहीं हंसी हंसती थी कभी हंसने जैसा सिचुएशन भी आता था तो वो धीरे से क्रुप्ट स्माइल देती थी यानी हल्के से अपने ओंठों को एक साइड से दबाकर मुस्करा देती थी तो उन बैक बेंचर बॉयज़ के बिल्कुल अपोजिट होने के बाद भी वो वहाँ क्यों बैठती थी शी केम फ्रॉम द बोग साइड्स एरिया एंड हर फिट वर्क केकड विथ ड्राई मिट तो यहाँ आपको बताया जाएगा कि वो क्यों बैठती थी बैक बेंच पर क्योंकि वो बोगिस् हाइट नाम की एरिया से आती थी जो स्लम टाइप का एरिया था जहाँ पर अधिकतर गरीब लोग रहते थे और वेंडा के पैर हमेशा सूखी मिट्टी से भरे रहते थे ठीक है तो उसके लास्ट बेंच पर बैठने के और भी कुछ कारण हैं वो भी देख लेते हैं तो एक तो उसका नाम वेंडा पैटर्नस की उसके क्लास के दूसरे बच्चों को बड़ा अनयूजल सा लगता था फिर बोगिन्स हाइट्स सनी ऐसे एरिया से आती थी जहाँ ज़्यादातर गरीब लोग रहते थे साथ ही वो एक ही फेडेड ब्लू ड्रेस को पहनकर रोज आती थी क्लास में कोई उसकी फ्रेंड भी नहीं थी कोई उससे बात नहीं करता था बल्कि ज़्यादातर लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थीं, उसे छेड़ती थीं और उसे हर्ट भी करती थीं। इसलिए वो उन सब से दूर लास्ट बेंच के कॉर्नर में आइसोलेशन में बैठना ज़्यादा पसंद करती थी ताकि वो अपने पढ़ाई पर शांति से ध्यान दे सके द गर्ल्स थाट अबाउट वेंडा आउटसाइड द स्कूल आवर्स वैसे तो गर्ल्स वेंडा पर ध्यान नहीं देती थी पर स्कूल टाइम ख़त्म होने के बाद जब वो स्कूल से घर जा रही होती थी या वो घर से स्कूल आ रही होती थी तो ये लड़कियाँ दो तीन के ग्रुप में वेंडा का इंतज़ार करती थीं ताकि वो उसके साथ मजाक कर सकें इनफैक्ट वो उसका मजाक उड़ा सके द टाइम वेन दे वर गोइंग टू स्कूल और गोइंग टू होम फ्रॉम द स्कूल टू हैव फ़न विथ हर ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी नोटिसड दैट वेंडा वॉज नॉट इन द्लास मंडे को तो वेंडा एबसेंट थी ट्यूजडे को भी वो नहीं आई स्कूल में लेकिन वेंसडे को पैगी और मैडी ने इस बात को नोटिस किया कि वेंगा वेंडा इस्कूल नहीं आ रही है तो उन्हें यह कैसे पता चला इसे बताने के पहले आ, राइटर पैगी के बारे में बता रही हैं पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल पैगी वॉज प्रिटी हर हेयर वर्क कर्ली शी हैव मेनी प्रिटी ड्रेसेस पैगी जो है वो स्कूल की सबसे पॉपुलर पॉपुलर लड़की थी क्योंकि वो बहुत सुंदर थी हंसमुख थी उसके पास ढेरों अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे उसके बाल भी घुंघराले थे ठीक है तो ये सब क्वालिटीज़ हैं uh, किसके पैगी के पैगी एंड मैडी वर क्लोज फ्रेंड साथ ही मैडी और पैगी uh, जो थी क्लोज फ्रेंड्स थी यानी कि मैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी दे नोटिस्ड सो बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल दे वेटेड आउटसाइड टू हैव फन विथ हर बट सी हैड एंड कम ठीक है तो अब देखते हैं कि उन दोनों को कैसे पता चला कि वेंडा स्कूल से एब्सेंट है दो दिन से तो इन्हें पता ही नहीं चल रहा था तो हुआ यह कि वो दोनों वेंडा की वजह से स्कूल में लेट हो गई थी क्यों हुई थी और कैसे हुई थी कि ये दोनों स्कूल स्टार्ट होने के पहले वेंडा का इंतज़ार कर रही थी कि वेंडा आ जाए तो उसका थोड़ा सा मज़ाक उड़ाए और फिर स्कूल जाएंगे पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं बहुत देर तक वे इंतज़ार करती रहीं वेंडा का लेकिन वेंडा स्कूल आई ही नहीं और ये दोनों ज़रूर स्कूल के लिए लेट हो गई तो इस तरह उन्हें पता चला कि वेंडा स्कूल से क्लास में एबसेंट चल रही है द नेम ऑफ द मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स इन रूम नंबर थर्टीन वर इजी लाइक थॉमस स्मिथ एंड एलेन तो रूम नंबर थर्टीन में जो वेंडा की क्लास थी उस क्लास में सभी बच्चों के नाम बड़े ही यूजल साउंड करते थे जैसे थॉमस स्मिथ एंड एलेन लेकिन वेंडा की क्लास के बच्चों को उसका नाम वेंडा पैटर्नस की बड़ा बड़ा ही थोड़ा अनयूजअल साउंड करता था ये भी एक कारण था कि बच्चे उससे क्लोज नहीं हो पाते थे वन ऑफ़ दूडेंट्स नेम विली बाउंस लेकिन एक लड़का ज़रूर था उनकी क्लास में जिसका नाम था बिली बाउंस तो उसका सर नेम बाउंस भी थोड़ा अनयूजल सा साउंड करता था बट इट डजेंट साउंड सो फनी लाइक पैटर्नस की वॉज पर यह उतना फनी नहीं साउंड करता था इतना उतना अनयूजल नहीं साउंड करता था जितना कि पैटर्नस की, की. इसलिए उसका इतना मजाक नहीं उड़ाया जाता था जितना कि वेंडा का उड़ाया जाता था मजाक वेंडा डिडेंट हैव एनी फ्रेंड विंडा की कोई दोस्त नहीं थी शे केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन वो घर से अकेले ही स्कूल आती थी और स्कूल से अकेले ही घर वापस जाती थी है ना एक और कारण था क्योंकि वो बोगिंस हाइट से आती थी वो बहुत गरीब लोगों की रहने की जगह थी तो वहाँ पर इसके क्लास के कोई दूसरे बच्चे रहते नहीं थे इसलिए वो अकेले ही आने जाने का काम करती थी शी वोर ओनली अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडेंट हैंग right. हैंग right यानी कि फिट होना है ना। और एक और रीज़न था जिसकी वजह से वो दूसरे बच्चों से अलग नज़र आती थी वो ये कि वो रोज़ रोज़ ही एक ब्लू कलर की ड्रेस पहन करके आती थी जिसका रंग उड़ा हुआ था और वो ड्रेस भी उसे प्रॉपरली फिट नहीं होती थी लूज थी It used to be clean but had never been ironed properly. हालांकि उसकी ये जो faded ब्लू ड्रेस थी वो साफ़ सुथरी रहती थी पर उस पर कभी भी ढंग से प्रेस किया गया हो ऐसा नहीं लगता था उसकी ड्रेस तुड़ी मुड़ी रहती थी She didn't have any friend but lots of girls talked to her. तो यहाँ इस लाइन में ये बताया गया है बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि वेंडा की कोई मित्र नहीं थी लेकिन बहुत सारी लड़कियाँ उससे बात करती थीं है ना तो यहाँ इस लाइन में बताया गया है कि वेंडा की कोई फ्रेंड नहीं थी पर ढेरों लड़कियाँ उससे बात करती थी ना क्या मतलब निकलता है इस लाइन का तो इस लाइन को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कोई भी लड़की वेंडा की ऐसी फ्रेंड नहीं थी जिससे वो अपने मन की बात को शेयर कर सके उसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है वो क्या महसूस करती है क्या उसे बुरा लगता है वो ये किसी से शेयर कर सके किसी को बता सके ऐसी कोई फ्रेंड उसके पास नहीं थी हाँ सभी लड़कियाँ उसे बात ज़रूर करती थी पर किस लिए सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए सो so, ये लाइन लिखा गया है शी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर समाइम्स वेन द स्कूल इज वैन शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले स्कॉच गर्ल्स अराउंड हर टू हैव फन विथ हर तो ये लड़कियाँ उसका मजाक किस तरह उड़ाती थीं तो जब भी ब्रेक टाइम होता था बड़ी लड़कियां तो इससे बात नहीं करती थी उसकी क्लास की लड़कियां कोई ज़्यादा इतनी क्लोज नहीं होती थी तो ब्रेक के टाइम में जो स्कूल की छोटी लड़कियां थी जो हॉप स्कॉस खेलती रहती थी हॉप स्कॉस यानी कि हॉप इस्कॉच होता है जिसके कहते हैं लंगड़ी खेलना ठीक है तो यहाँ देखिए यहाँ पर इस फिगर में बताया गया है ये लंगड़ी आप लोग भी खेलते होंगे ये उसी टाइप की गेम है तो वो छोटी छोटी लड़कियां जब वो खेलती थी तो वो खड़ी होकर के चुपचाप उनको देखा करती थी और अपना टाइम पास किया करती थी तो उसी समय उसके क्लास की काफ़ी सारी लड़कियां आकर के उसे घेर लेती थी जस्ट टू हैव फन विथ हर वुड आस्क वेरी हम्बली हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोज तो अब वो लड़कियाँ क्या कैसे फन करती थी क्या करती थी उसका मजाक उड़ाने के लिए पेगी विंडा के पास आकर बड़े ही विनम्रता से उससे पूछती थी तुम क्या बता रही थी विंडा तुम्हारे पास कुल कितनी ड्रेसेज हैं जो तुम्हारे अलमारी में लाइन से लगी हुई हैं वेंडा रिप्लाइड ए हंड्रेड ड्रेसेस ऑल लाइंड अप ऑल सिल्क ऑल कलर्स वेल्वेट टू तो वेंडा जवाब देती कि टोटल हंड्रेड ड्रेसेस मेरे पास कुल हंड्रेड ड्रेसेस हैं तो हंड्रेड ड्रेसेस यही है हमारी स्टोरी का टाइटिल तब एक लड़की पूछती अच्छा, है अच्छा ठीक है फिर उन ड्रेसेस की फैब्रिक क्या है क्या सिल्क की हैं वो ड्रेसेस तो वेंडा बताती हाँ सिल्क की हैं और हर रंग की हैं साथ ही कुछ ड्रेसेस वेलवेट की भी हैं एंड सिक्सटी पेयर्स ऑफ शूज़ आल्सो एवरी पेयर इज़ डिफ़रेंट ऑल कलर फिर एक लड़की पूछती कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं तो वेंडा उन्हें बताती मेरे पास कुल सिक्सटी पेयर्स ऑफ शूज़ हैं सभी अलग अलग रंग के और अलग अलग डिज़ाइंस के हैं करीने से अलमारी में लाइनड अप हैं यानी कि जमा करके रखे गए हैं देन लेट हर गो और ये बात सुन करके वो लड़कियाँ उसको जाने देती अब होता यह है कि चूंकि वो रोज़ाना एक ही ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस पहन के आती थी और क्लेम कर रही है कि उसके पास हंड्रेड ड्रेसेस हैं तो लड़कियों को ये बात हजम नहीं होती ये बात डाइजेस्ट नहीं होती है उनको ठीक है तो उन्हें लगता है कि ये झूठ बोल रही है तो जैसे ही वेंडा थोड़ा थोड़ी सी आगे बढ़ती है ये सारी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती हैं बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे ऑल बस्ट इन टू शाइक्स एंड पील्स ऑफ लॉफर शाइक्स एंड पील्स ऑफ लॉफर यानी कि खुल कर कर खुल कर के लगातार हंसना तो ये लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगती हैं फाइनली वेंडा हैड मूव्ड अप टू द स्ट्रीट विथ आइज़ डल एंड माउथ क्लोज और उनकी हंसी सुनकर आंखों में आंसू लिए वेंडा चुपचाप आगे बढ़ जाती है पैगी वॉज़ नॉट रियली क्रूएल है ना तो अब आप देखिए कि पैगी और उसके शह पर दूसरी लड़कियाँ वेंडा को तरह तरह के प्रश्न पूछ करके परेशान करती थी उसका मजाक उड़ाती थी तो हमारे दिमाग में पैगी का क्या इमेज बन रहा है पेगी का एक ऐसा इमेज बनता है कि वो एक बहुत ही क्रुएल टाइप की लड़की होगी जिसे दूसरों को सताने में उन्हें परेशान करने में बहुत मज़ा आता था बट पेगी वॉज नॉट रियली क्रुअल जबकि इन बातों से बिल्कुल अलग पेगी क्रुएल नहीं थी बिल्कुल भी नहीं थी वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रेन फ्रॉम ब्लीस उसके सामने अगर कोई छोटे बच्चों को परेशान करता था तो वो उन बच्चों को बुलिंग होने से बचाती थी प्रोटेक्ट करती थी शी क्राइड फॉर आवर्स वैन शी सॉ एन एनिमल मिस्ट्रीटेड और अगर कोई किसी एनिमल के साथ गलत व्यवहार करता था या उसे मारता पीटता था तो वो उस एनिमल का भी दर्द महसूस करके घंटों रोती थी तो इस तरह से हम देखें तो एक वो एक काफ़ी अच्छी लड़की थी पर फिर वेंडा के साथ उसका ऐसा व्यवहार क्यों था शी थॉट दैट हर बिहेवियर वॉज नॉट क्रूअल टुवॉर्ड्स वेंडा है ना उसे लगता है कि उसका व्यवहार वेंडा के प्रति क्रूअल नहीं था क्यों अगर कोई कभी उस उसके वेंडा के प्रति इस व्यवहार के बारे में कहता तो वो कहती कि नहीं उसका व्यवहार वेंडा के प्रति क्रूअल नहीं है कारण बता रही है वाई डिट शी लाई फॉर हैविंग हंड्रेड ड्रेसेस क्योंकि पेगी का ऐसा मानना था कि ये लड़की क्यों झूठ बोलती है कि उसके पास हंड्रेड ड्रेसेस सिल्क और वेलवेट की हर रंग की हैं जबकि साफ साफ दिख रहा है कि उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है एक ब्लू फेडेड ड्रेस जिसे वो पहन करके रोज स्कूल आती है फिर वो क्यों झूठ बोलती है कि उसके पास सिक्सटी पेयर्स ऑफ शूज़ हैं जबकि उनमें से किसी को भी पहन करके वो कभी भी स्कूल नहीं आई तो जब वो ऐसे झूठ बोलती है तो उसे प्रश्न करना तो बनता है ठीक है इसमें क्रूएल क्या है हम केवल उससे प्रश्न कर रहे हैं और उसको परेशान कर रहे हैं शी वॉज़ डिफरेंट इन मैनी वेज और जो दूसरा कारण था वो ये था कि वेंडा कई बातों में अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग थी शी वॉज़ नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन हर सर नेम स्ट्रेंज सबसे पहले तो ये कि वो उन्हें एक ऑर्डिनरी या नॉर्मल लड़की नहीं लगती थी उनका मानना था कि वेंडा हमारे जैसी बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल चुपचाप रहने वाली अलग थलग रहने वाली लड़की है फिर उसका सरनेम भी उन्हें कुछ स्ट्रेंज सा लगता था बड़ा अजीब सा लगता था एनी वे नेवर मेड हर क्राई फिर पैगी कहती है कुछ भी हो हमारे मजाक के कारण विंडा कभी भी रोई नहीं तो ये हमारे बीच के आपस का सिर्फ एक मजाक ही है कि वो झूठ बोलती है और हम प्रश्न करके उसे परेशान करते हैं एक हेल्दी बैलेंस्ड सा मज़ाक होता है हम दोनों के बीच में और ये कहीं से भी कहीं तक गलत नहीं है क्रूएल तो बिल्कुल भी नहीं है अब यहाँ मैडी यानी मैडलिन के बारे में बताया गया है मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ बट नॉट एज़ पुअर एज वेंडा मैडी भी गरीब थी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी पर उतनी गरीब नहीं थी जितनी कि वेंडा थी शी यूज़वली wore सम hand-me-down डाउन क्लॉथ्स तो हैंड मी डाउन क्लॉथ्स ये क्या होते हैं कि अगर किसी के कपड़े उसके यूज़ में नहीं आ रहे हों और वो अच्छे हों नए हों या थोड़े एक दो बार पहने गए हों तो वो उन कपड़ों को किसी और को दे देते हैं ताकि वो इसका यूज़ कर सके तो ऐसे कपड़े कहलाते हैं हैंड मी डाउन तो मैडी भी हैंड मी डाउन कपड़े पहनती थी तो इस तरह अगर देखा जाए तो मैडी और वेंडा यहाँ सेम पोजिशन में हैं और इसी वजह से वेंडा को जब टीस किया जाता था तो वेंडा किस मानसिक स्थिति से गुजरती होगी मैडी इस चीज़ को अच्छी तरह समझती थी वैन पैगी questions वेंडा इन मोकिंग पोलाइट voice, मैडी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा बट से नथिंग जब भी पैगी वेंडा से क्वेश्चन करती थी तो उसे बुरा लगता था पर उसमें इतना साहस नहीं था कि वो पैगी को मना कर सके कि वेंडा को इस तरह शर्मिंदा ना किया करो उसे वेंडा को इस तरह अपमानित किया जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था पर वो कुछ बोल नहीं पाती थी पैगी का विरोध भी नहीं कर पाती थी शी डेयर नॉट टू से एनीथिंग अगेंस्ट दिस ड्रेस गेम शी विस्ट पैगी वो स्टॉप टीजिंग वेंडा तो इस तरह पेगी ने जो इस ड्रेस गेम को शुरू किया था कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेज हैं कितने शूज़ हैं कितने हैट्स हैं तब मैडी का ध्यान वेंडा की ओर गया था पर वो फिर भी दिल से चाहती थी कि, कि किसी तरह पेगी इस ड्रेस गेम को बंद कर दे इस तरह वेंडा का इंसल्ट करना वो बंद कर दे अब चूंकि मैडी में इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वो पैगी को मना कर सके कि वो वेंडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक लेटर लिख कर पैगी को मना कर दूं कि स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वेंडा तो सी स्टार्टेड राइटिंग इन नोट टू पैगी अबाउट दिस बट स्टॉप्ड तो जिस समय उसने सोचा कि वो लेटर लिख कर के uh, पैगी को मना कर दी तो उस समय वो मैथ्स के संस कर रही थी उसे पूरा करके वो लेटर लिखना शुरू भी करती है पर सडनली वो रुक जाती है कुछ ऐसे ख्याल उसके मन में आते हैं कि वो घबरा कर बिल्कुल काँप जाती है और उसे लगता है कि नहीं ऐसा करना ठीक नहीं होगा मुझे पैगी को इस टाइप का लेटर नहीं लिखना चाहिए तो ऐसा क्या उसके दिमाग में आता है शी था इन दिस सिचुएसन शी हर सेल्फ विल बी ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स वो सोचती है कि अगर मैंने ऐसा कुछ लिख करके पैगी को मना करती हूँ तो ये तो इन लोगों की आदत है फिर ये वेंडा का मजाक उड़ाना बंद कर देंगे और पैगी और दूसरी लड़कियों की नई टारगेट में खुद बन जाऊंगी। वे सब मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे तो वो ऐसा क्यों सोचती कि वो उसका मजाक उड़ाएंगे क्योंकि वो कल्पना करती है कि जब पैगी सबके सामने उससे पूछेगी कि तुम ये जो नई ड्रेस पहन रखी हो ये तुम कहाँ से तुमको मिला तो वो क्या कहेगी पैगी माइट आस्क हर वेर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन वो क्या बताएगी कि उसे ये जो ड्रेस पहन रखा है वो उसे कहाँ से मिला इट वर द डिस्कारड ड्रेस ऑफ पैगी टू विच हर मदर न्यू लुक तब मैडी को बताना पड़ेगा कि वो पेगी के ही डिस्कार्टेड ड्रेस हैं यानी पेगी को जो ड्रेस अच्छी नहीं लगती थी वो ड्रेस वो मैडी को दे देती थी और मैडी की मम्मी उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके उस ड्रेस को एक नया सा लुक दे देती थी ताकि किसी को पता नहीं चले कि ये पेगी की ड्रेस है तो मैडी सोचती है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर सब उसका मजाक उड़ाएंगे और भला फिर कौन चाहता है कि उसका मजाक उड़ाया जाए इसलिए वो क्या करती है लेटर लिखना बंद कर देती है और आधा लिखा हुआ लेटर को फाड़ करके फेंक देती है उसे बुरा लगता है बहुत बुरा लगता है उसे मालूम था कि जो पैगी है वो गलत कर रही है और वो भी चुप रह करके गलत कर रही है अपने उसने लेटर लिखा लेटर लिखकर फाड़ दिया वो भी गलत किया तो अपनी इस बात को अपने आप को कैसे सांत्वना देती है मैडी जस्टिफाई इट बाय सेइंग पेडी बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द क्लास कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग थिंग रॉन्ग तो वो अपने विचारों को ये कहते हुए जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि पेगी तो क्लास की बेस्ट गर्ल है सभी उसे पसंद करते हैं वो ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती जो गलत हो ये कि वेंडा के मजाक उड़ाने के पीछे उसका जो तर्क है वो हो सकता है कि सही हो मैडी रिमेम्बर्ड वेंडा टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर्ड ट्रिमिंग्स तभी मैडी के दिमाग में एक पिक्चर आता है कि जब भी वेंडा से उसके ड्रेसेस के बारे में पूछा जाता था तो वो उनके बारे में भी डिटेल में बताती थी उन्हें बताती थी Uh, कि uh, किस किस टाइप की ड्रेसेज हैं तो ऐसे ही एक बार उसने दो, दो ड्रेसेस के बारे में बताई थी मैडी को याद आता है कि एक ड्रेस के बारे में वेंडा ने बताया था जो पेल ब्लू कलर की थी जिसमें कलर्ड ट्रिमिंग्स लगे थे रिमेंबर्ड एनेदर वन दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ रेड शेस और दूसरी ड्रेस जो ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर की थी और उसमें रेड कलर की बेल्ट लगी थी मैडी को अचानक वो दोनों ड्रेसेस याद आ गईं ड्राइंग कॉन्टेस्ट फॉर गर्ल्स डिज़ाइनिंग ड्रेसेस फॉर बॉयज़ डिज़ाइनिंग मोटरबोट्स अब यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट के बारे में कहा गया था जिसमें गर्ल्स को ड्रेस डिज़ाइन की ड्राइंग बनानी थी और बॉयज़ को मोटरबोट डिज़ाइन की ड्राइंग बनानी थी मैडी बिगेन टू थिंक हु विल विन द ड्राॅइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट तो मैडी अब उस कॉन्टेस्ट के बारे में सोचने लगी कि इस ड्राॅइंग कॉन्टेस्ट का विनर कौन होगा मैडी वाज़ श्योर पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल मैडी श्योर थी उसने सोचा कि इस कॉन्टेस्ट को जरूर पेगी ही जीतेगी पेगी ड्रॉ बेटर देन एनी वन एल्स इन द क्लास क्योंकि पूरे क्लास में पेगी से ज़्यादा अच्छी स्केचिंग कोई दूसरा स्टूडेंट करता ही नहीं था वो बहुत अच्छी स्केचिंग करती थी तो इस तरह मैडी श्योर थी कि इस कॉन्टेस्ट की विनर भी पेगी ही होगी टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर और कल टीचर इस कॉन्टेस्ट के विनर का नाम अनाउंस करने वाले थे द नेक्स्ट डे इट वॉज डिजलिंग अगले दिन यानि जिस दिन विनर का नाम अनाउंस होना था उस समय स्कूल टाइम पर बूंदाबाँदी होने लगी ड्रिजलिंग है ना देन पैगी एंड मैडी वेंट टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला पैगी और मैडी जल्दी जल्दी छाते में होकर के स्कूल पहुँची वो आज लेट नहीं होना चाहती थी क्योंकि आज ड्राइंग कॉन्टेस्ट के विनर का नाम अनाउंस होने वाला था दे एंटर द क्लास रूम स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्ट भागते दौड़ते जैसे ही वो क्लासरूम में पहुंचते हैं वहाँ का सिनारियो देखकर वे सरप्राइज हो जाते हैं उनका मुंह खुला 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 का खुला रह जाता है थोड़ी देर के लिए वे क्लासरूम के एंट्रेंस पर ही ठिठक करके रुक जाते हैं तो ऐसा क्या देख लिया था उन्होंने वहाँ पर देर वर ड्राॅइंगस ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लेज एंड विंडोशील कलर्स एंड ब्रिलियंट लेवे लेवेस्ट डिजाइंस ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर मस्ट बी हंड्रेड ऑल लाइंड ठीक है क्योंकि उन्होंने देखा कि क्लासरूम के पूरे दीवार पर पूरे खिड़कियों पर लाइन से पेपर पर बने ड्रेसेस के स्केचेस लगे हुए हैं एक लाइन से लगे हुए हैं और सभी स्केचेस चमकीले कलर में थे सभी डिज़ाइन एक दूसरे से बिल्कुल अलग लेकिन एक से बढ़कर एक शानदार थे और ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर पर बने हुए थे एक दो नहीं लगभग हंड्रेड ड्रेसेस की डिज़ाइन वॉल पर लगे थे क्लासरूम का यही सिनेरियो देखकर उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है दिस मस्ट बी द डिज़ाइन फॉर द कॉन्टेस्ट वॉल पर लगे ये सब डिज़ाइंस कॉन्टेस्ट के लिए थे एवरीबॉडी बॉडी एंड विसल और मरमर्ड एडमायरिंगली वॉल पर लगे इन सब डिजाइंस को देख करके सभी तारीफ कर रहे थे कुछ बोल के तारीफ कर रहे थे और कुछ सीटी बजा के तारीफ कर रहे थे हैं ख़ास से वो बॉयज़ जिन्हें ड्रेस डिज़ाइनिंग से कोई लेना देना नहीं था फिर भी वो इन डिज़ाइंस को देख करके इतने सरप्राइज थे कि खुश हो कर के सीटी बजा रहे थे मिस मैसन अनाउंस्ड द विनर। सभी जब क्लास में आ गए तब मिस मैसन जो उनकी टीचर थी वो विनर्स का नाम अनाउंस करने के लिए आई जैक जैक बैगिस हैड वोन फॉर द बॉयज तो मोटरबोट डिजाइनिंग कॉन्टेस्ट जो बॉयज के लिए था उसे जैक वैगीज ने जीता था हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जिबिशन इन रूम ट्वेल्व अलॉन्ग विद द स्केचिज बाय ऑल द अदर बॉयज उसके मोटरबोट की जो ड्राॅइंग थी वो अन्य दूसरे पार्टिसिपेंट बॉयज़ की ड्राॅइंग के साथ रूम नंबर ट्वेल्व में एग्जीबिशन के लिए रखी हुई थी फॉर द गर्ल्स वन और टू स्केचिज वर सब्मिटेड बाई मोस्ट अब गर्ल्स के ड्रेस डिजाइनिंग के कॉन्टेस्ट के अनाउंसमेंट की बारी थी मिस मैसन ने बताया कि अधिकतर लड़कियों ने इस कॉन्टेस्ट के लिए दो या तीन स्केचेस बना करके के जमा किए वन गर्ल एंड रूम नंबर थर्टीन शुड बी प्राउड ऑफ हर फिर मिस मैसन ने बताया कि, कि एक लड़की है जो रूम नंबर थर्टीन की है उस लड़की पर पूरे क्लास को प्राउड होना चाहिए क्योंकि इसी लड़की ने विनर का प्राइज़ जीता है शी ड्रू वन हंड्रेड डिज़ाइंस ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल और इस कॉन्टेस्ट के लिए उस लड़की ने हंड्रेड डिज़ाइंस के स्केचेस तैयार किए हैं सबके सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं और एक से बढ़ कर के एक सुंदर भी हैं इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ़ द डिज़ाइंस इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइस और वे जजेस जो इस कॉन्टेस्ट में जजमेंट करने के लिए आए थे उनकी राय इन स्केचेस के बारे में ये थी कि इन हैंड्रेड डिज़ाइंस में से कोई भी डिज़ाइन का स्केच आप हाथ में ले लें वो स्केच जो है फर्स्ट प्राइज के लायक है वो डिज़र्व करता है फर्स्ट प्राइज इतना फाइन बनाया गया था सभी डिज़ाइंस को इतनी ब्यूटीफुली उसको बनाया गया था वेंडा पैटर्न्स की इज़ द विनर ऑफ़ द गर्ल्स मेडल और रूम नंबर थर्टीन की वो लड़की है वेंडा पैटर्न्स की वही वेंडा पैटर्न्स की जो हमेशा कहती थी कि उसके पास हंड्रेड ड्रेसेस हैं वही गर्ल्स ग्रुप में विनर थी अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैड बीन एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर समे मिस मैसन बताती हैं कि अनफॉर्चुनेटली वेंडा कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है शी इज नॉट हेयर टू रिसीव द द्लॉज दैट इज ड्यू टू हर और वो अपने लिए हो रहे इन तारीफों को अपनी प्रशंसा में बजने वाले इन तालियों को सुनने के लिए आज यहाँ उपस्थित नहीं है इवन द बॉयज एडमार्ड द स्केचेज एंड विसल्ड दो they आर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज अब जो बॉयज थे जिन्हें गर्ल्स के इन ड्रेस डिजाइनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था कोई लेना देना नहीं था लेकिन ये सब डिज़ाइंस इतने खूबसूरत थे, इतनी फाइनली बनाई गई थी कि उन बॉयस को भी अच्छी लगी और उन्होंने सीटियाँ बजाकर अपनी ख़ुशी को ज़ाहिर किया मैडी एंड पैगी लुकड एट ब्लू एंड ग्रीन ड्रेस वेंडा टोल्ड देम अबाउट मैडी और पैगी की नज़र उन दो ड्रेसेस पर भी पड़ी जिसके बारे में वेंडा ने उन्हें बताया था वही पेल ब्लू और जंगल ग्रीन कलर वाली ड्रेस उसके डिज़ाइन भी इस कॉन्टेस्ट में रखी थी पैगी साइड से थॉट शी कु ड्रॉ इन सब डिज़ाइंस को देखकर पैगी सोचने लगी मैं समझती थी कि मैं ही इतना अच्छा ड्राइंग करती हूँ पर इन सब डिज़ाइंस को देखकर तो लगता ही नहीं कि मुझे कुछ खास ड्राइंग करनी आती है विंडा के सभी डिज़ाइन्स बहुत अच्छी हैं और उसने बहुत ही सुंदर डिज़ाइंस बनाई हैं द स्टोरी द हंड्रेड ड्रेसेस इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस एज द ऑथर हैज़ विटनेस्ड सिमिलर सिचुएशन एट हर ओन एलिमेंट्री स्कूल तो कहते हैं लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी हमारे समाज में हमारे डे टू डे लाइफ में जो कुछ होता है लिटरेचर वही दिखाता है स्टोरीज के रूप में तो यहाँ जो स्टोरी है वो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है ये स्टोरी जो एलेनोर एस्टर ने लिखी है ये उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर लिखी है जब वो अपने प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में थी तब उन्होंने अपने साथ की लड़की के साथ यही सब कुछ होते हुए देखा था वे उस समय उस लड़की के हेल्प के लिए आवाज़ नहीं उठा सकी थी क्योंकि उस समय वो काफ़ी छोटी थीं पर उन्हें हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि उन्होंने उस समय उस लड़की की हेल्प क्यों नहीं की क्यों नहीं कुछ कहा तो आप कह सकते हैं कि ये स्टोरी लिख करके उन्होंने अपने आप को अपने मन को हल्का किया ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये स्टोरी उन्होंने आउट ऑफ गिल्ट लिखी है तो ये जो स्टोरी है इससे एक मैसेज भी जाता है तो मैसेज क्या है वन शुड रेज बॉस अगेंस्ट बुलिंग एज बुलिंग इज़ रॉन्ग एंड हैव इल इफ़ेक्ट ऑन द पर्सन बींग बुलिट तो मैसेज ये जाता है इस स्टोरी का कि अगर कोई किसी को बुली कर रहा है इंसल्ट कर रहा है उसे शर्मिंदा कर रहा है तो हमें उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए ठीक है भले ही वो हमारा बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो क्योंकि जिस व्यक्ति को अपमानित किया जा रहा है उसके ऊपर इस बुलिंग का बहुत ही बुरा असर पड़ता है वन हु डजेंट टेक पार्ट इन बुलिंग अदर्स बट साइलेंटली वॉच द इंसल्ट ऑफ अदर्स इज़ एक्यूज इन द सेम वे दूसरी बात ये कि वो व्यक्ति जो बुलिंग नहीं कर रहा है पर बुलिंग करने वाले के साथ खड़ा होकर के तमाशा देख रहा और कुछ भी बोल नहीं रहा है उसे रोक नहीं रहा है बुलिंग के अगेंस्ट में आवाज़ नहीं उठा रहा है तो वो भी उतना ही दोषी होता है जितना कि बुलिंग करने वाला होता है सो रेज वॉस अगेंस्ट इट ओनली रिग्रेट इज़ नॉट इनफ तो समय से बुलिंग के अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए बाद में सिर्फ रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता है सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी द हंड्रेड ड्रेसेस पार्ट वन थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो